तुम हमारे अत्ता का है चक्कर पर हो, अरे से डाल चक्कर, चक्कर हम नहीं डाले, चक्कर तुम्हारे पिताजी डाले में है, और हम तुमका तुम सोचो हम छू ले तो हमारे ऊपर तुम कुछ कह ले हो या हमका पाप लागी पाप ना लागी, क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हारा पतियन। कहा लगी पति पत्नी कब से मुलाकात पहली पहली पति पत्नी हो गया। हाँ जब तुम हो गर्व के अंदर हम हो गर्व के अंदर, तुम्हारे पिता ने हमारे बाबा से खेला था पांसा और पांसा में हार गए थे, हमारे तुम्हारे शादी तो पक्की राज तो भैया जन्म लेते हो हम जन्म ली या तुम हुआ जन्म ले हो हमिया जन्म ले हम शादी तो भैया आया तो पहली बार है ना, तुम हमका देखो ना हम तुमका देखे होगा हे भैया न बंदे खा। अच्छा हाँ यह बात तो सही है, बाबा कहा था को निपटा नहीं, लेकिन यह बात हमसे बताई ना यहाँ, लेकिन एक बात सुनो मैं अब जान गई हूँ कि मेरा पिता हमसे फूट गया है, लेकिन जाओ मैंने अपने पिता से कसम खाया हूँ कि अगर मैं तुम्हारी असली बिटिया हूँ जो मैं कन्या पिता आपकी तो अमृत घलाऊंगी, अगर अमृत ना ले गई तो दूसरी बात यह है कि मैं अपने पिता की लोकल बिटिया मानी जाऊंगी। दूसरी बात यह है कि आज ए, आज तो ठीक है, लेकिन अगर लड़का बिटिया जब आगे शादी हुई है तो पता लगे मैके में थोड़ी पे है तो बिहार लेकर के हाल नहीं हो। परीक्षित को बहुत समझाया मैं आऊंगी, ये परीक्षित महाराज भरोसा नहीं कर रहे, आखिरी में नाम बोल रहे बार बार निगाते हैं पैसा पर रहे 100 रुपया सर्विस आ लो भैया हमारे सकिया से भगवान के चरणों में, और इसी बीच में हमारे 100 रुपया कमलेश भैया बरकरार से, क्या हो गया ये विकानु गुरगुजपुर से, 51 रुपया रामू गुरगुजपुर से भगवान के चरणों में, और आदित्य यादव उमरगट्टी से भैया ने 50 रुपया हमारे लिए स्पेशल है भगवान से मैं कामना करता हूँ हमारे आदित्य भैया जी का जीवन मंगल में हो। आज के 6-7 साल पहले कार्यक्रम में क्या करने गया था ना, बड़ा आनंद की बात, एक बार जयकारा बोलो रे सुर गोविंद भगवान की, एकदम नवल देख कर लेगी स्वामी मैं पानी दे आऊ अमृत पति का पिता का शुद्ध शरीर हो जाए, मैं वादा करती हूँ कि लौट जाऊंगी। परीक्षित बोले घर का जाई अरे पुरुष का पई हो और प्राण देना तुम काहे को, सिंह ने कहा था बहुला गैया से तो बहुला गैया ने कसम खाया था भगवान श्री कृष्ण की। ए अमृत लई चली दीन दुलारी, अमृत लई चली दीन दुलारी और आई गई यहाँ माँ तो हमारी, तई अमृत स्नान करायो और मेरा मलतन बासुक तब पायो। महाराज बासुक का निर्मल सही हो गया, ए अंदर से जल रही है ऊपर से गुलाब गुलाब की तरह खिल रही है, अंदर से तो जल रही है लेकिन ऊपर से खिल रही। बहनों भाइयों इस बात से आपको क्या शिक्षा मिल रही, बहनों अगर पति पर थोड़ा नाराज भी हो और पति तुम्हारा भोजन कर रहा है तो सदैव ऊपर से खुशी रहना, भोजन करते समय पति को डिस्टर्ब मत देना टेंशन मत देना, खाना खाते समय आदमी के सामने झगड़ा मत करना, लेकिन माताएं बहने कहां तक समझाया जाए, चाहे कोई से ना वाले कि जब आदमी खाना खाए लगी तभी दुनिया के टीटम होते हैं, हर दिन नहीं लावते हो यूं नहीं करते हो, हम तुमसे कह रहा घर पहले लाओ पहले नहीं लावते हो, दुनिया के टीटम बतावा करती अब जो हमारे खाने भरा पाओ हम तुमसे थोड़े कही था तुमसे कही कमरे घर उधर कही दीजिए हम है ए भैया। मेरे बंधु बहनों नवोदय देखो जल रही है अंदर से ऊपर से खिल रही, क्यों क्योंकि तो अगर ये बात बताऊंगी तो मेरा पिता नहाएगा नहीं और गुस्सा में अमर थैंक यू दिया है तो जाए मैं मेहनत करूं मेहनत सुनो लो। जब राजा बासु शुद्ध हो गए तब नवोदय बोली ये पिता पाप की होवती पिता हमारे शुद्ध भये सब काज तुम्हारी। सुनो पिताजी तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया,
तो हमको पासन में हार गए थे, लेकिन मैं जान गई हूं। और एक बात सुनो, मैंने कहा था कि अमृत ला के दूंगी, तो अमृत ला के दिया। और मैं अब कसम खाती हूं कि अब जा रही हूं और मैं कभी नहीं लौट के आऊंगी। अब उतना कह के भैया नवलदे वापस हो गए। देखिए नवलदे वापस हो गई, और जब नवलदे वापस हो गई, परीक्षित बैठे हैं कुआं के ऊपर, सोच रहे हैं आएगी नहीं आएगी नहीं। हाँ वाह बैठ गई हो, अभी श्वास हम परे हैं। एक गजल सुना है, सुना दे गला है, सुना दे। और ये गजल, प्रेम करना है तो उस खुदा से करो। परीक्षित सोच रहे हैं कि प्रेम करना है तो उस खुदा से करो, अगर सच्चा प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। दुनिया वाले लड़का बेटी बेटा ये सारे हमारे दुश्मन है। प्रेम करना है तो उस खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं। अब तीन अंग्रेजी गाना हमें दिमाग कमाएगा। तब तक क्या देखा, एक लड़की आवत है बहुत तेज तेज, आंधी पानी आवत है। क्या देखा, सास समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ए लड़की आ रही सामने, परीक्षित महाराज ने देखा आ रही। परीक्षित महाराज, ए जो लड़की देश छोड़ा, कुल छोड़ा, नात रिश्तेदार छोड़ा, अपने भाई बहन छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, बचपन की सहेली छोड़ दिया, अपने जन्म भूमि की भूमि छोड़ दिया, पूरा मौजा बाजार रिश्तेदार सब छूट गया, खाली याद आदमी चक्रम। और जो हुई लड़की का यहाँ, इस लड़की ने सब कुछ छोड़कर एक जीव के पास से बताओ भाग खड़ी हुई। अगर उस लड़की को जो व्यक्ति दुख देता है तो बोलो भाई उनका नरक हो कि स्वर्ग हो, नरक हो। तुम्हारे ऊपर भरोसा किया तब उसने सब कुछ छोड़ा, और उस लड़की को तुम धोखा दे रहे हो। देखिए यहाँ पर कितना विचित्र बात है भैया। नवलदे वहां खड़ी हुई, राजा बासु बिचारा, देखो बिटिया यहाँ पर गलती की है भैया। मान लो तुमका ससुराल में लड़की बेटी ज्यादा सुख मिल जाए तो क्या भला यू कहा कि बप्पा घर यही बैठेगा, या तो बेकूफी है या तो गलती है, गलती का है गलता है, है? भाई मैं कम ज्यादा तुमका ससुराल में आराम मिल जाए तो यू कहू ना कहो कि बप्पा घर यही बैठेगा, आज नए हो कल नए हो साल दो साल चार साल छह साल नए हो, लेकिन याद दिन आओ परी कब आओ परी मालूम, एक दिन जरूर मजबूरी क्या हो कब, आज नहीं हो कल नहीं हो दो चार साल नहीं हो छह साल नहीं हो, लेकिन जब लड़का हुई तब गलतिया मैं झटैया को काटी का हेमराज नहीं कटे हो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुना जाए बस, अब मामा ही ढूंढा जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वही इस बात काहे कहो नीचे पासा गिरे, वह बात कहवे ना करो इस बात खराब हो जाए। मेरे बंदो नवलदे गलत बोल गई, भागती हुई गई, लेकिन महाराज परीक्षित ने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा सम्मान दिया।
हे नवलदेव दूर से देखा बैठ गई परीक्षित 10 कदम आगे बढ़ करके। नवलदेव का सम्मान किया, ओ देवी कोई दिक्कत नहीं। नवलदेव बड़ा खुश है, परीक्षित महाराज आज अपनी देवी नवलदेव को ले लिया और महाराज अर्जुन के सामने पेश किया और कहा, बाबा ये वही लड़की है महाराज वासुकी जिनके साथ तुम्हें पैसा खेला था, ये लड़की वही है। महाराज अर्जुन ने अपने पोते परीक्षित के पीठ को ठोका और कहा, पोता अभी हमको मालूम है कि हमारे वंश में तमाम क्षत्रिय बाकी हैं और तमाम क्षत्रिय अभी जन्म लेंगे। परीक्षित की पीठ ठोका, जो पोता अपने बाबा के धर्म को बचाए रखता है तो बोलो बाबा का स्वर्ग है या नरक है भाई। परीक्षित महाराज ने तुरंत बेटी का सम्मान दिया नवलदेव को। परीक्षित अर्जुन ने कहा, बेटी चिंता मत कर, उन्हें देश कुल परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तू यहाँ पर चाहे ससुराल मान के रहो तो चाहे मैका मान के रहो या पर घुंघट भरे क्या कोई काम है। बहनों अपने ससुर के सामने घुंघट भरे न मारो, जहाँ घुंघट मारे तहाँ मरती नहीं और जहाँ मारे नहीं चाहे तहाँ मरती, जहाँ नहीं मारे तहाँ मरती है और जहाँ मारे चाहे वहाँ नहीं मरती। ससुर 5 लाख रुपया लगे से है, मुंह देख ली तो बड़ी बेधरमी लग गई और होटल पर बगर बगर बतासा खा रही है मुंह उभारे तब नहीं कोई देखत है, चौराहे पर मुंह मुंडा चाहिए कोई ना देख पाओगे कहे और कोई देखे, और 5 लाख रुपया बढ़ो लगे रहे मुंह देख रहा हूँ है कि नहीं। जहाँ पर मुंह मुंडे चाहिए तहाँ नहीं मूंद रही है और जहाँ नहीं मूंदे चाहे तहाँ पर मूंद रही है। वारे मर्यादा देखिए, बहनों बिगड़ी चाल, गुरु जी गाया करते ना गाने, बहनों बिगड़ी चाल तुम्हारी तभी सुधारी ले क्यों ना, बहनों बिगड़ी चाल तुम्हारी ससुराल मान रहो, लेकिन बेटी चिंता ना कर, तू ये नहीं कहेगी कि मैं भगोड़ी भगोड़ी हूँ ना, जितने काम तुम्हारे होते हैं मैके माँ वो सारे काम हम ससुराल में कराएंगे, आधी हस्तिनापुर में तुम्हार मैका है और आधी हस्तिनापुर में तुम्हार ससुराल है। कभी कभी भैया लोग हमसे पूछा करते हैं, महाराज जी बताओ बसदेव महाराज के ससुराल कहाँ के रहा है, तो आप ग्रंथ पढ़िए पुराण देखिए, बसदेव महाराज की ससुराल मथुरा में ही थी, ससुराल मथुरा में ही थी, बसदेव का घर भी मथुरा में था। मथुरा की आज भी वृंदावन की लड़की मथुरा की लड़की अन्य देश में नहीं जा सकती है, मथुरा की लड़की मथुरा में ही विवाही जाएगी, ये मथुरा और वृंदावन की रीत है भैया, लड़की बाहर नहीं जा सकती है वो अपने ग्राउंड में ही शादी की जाएगी। बहनों भाइयों बड़ा आनंद की बात, मथुरा और वृंदावन की 84 कोस की जन्मभूमि है, मथुरा वृंदावन में 84 कोस चौतरफा आप ले लीजिए तब जाकर के मथुरा वृंदावन की, तो 84 कोस में शादी तुम चाहे यहाँ पे करो। मेरे बंधु बहनों भाइयों बड़ी मतलब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज अर्जुन महाराज ने अपने पोते परीक्षित और नवलदेव का धूमधाम से हस्तिनापुर में विवाह संपन्न कर दिया। जब संपन्न कर दिया तो अब ये भैया पहली बेटियां सब बढ़िया आनंद के काम करती हैं, है ना, सब चाल वाल तमाम सब कहा मैं आना सब होती है ना, तो सब बढ़िया गीत राग हो रहे हैं और पहली बिटिया लोग बढ़िया माता गीत देवी गीत अच्छे अच्छे गीत सत्संग गाती हैं। आए जाओ मैया नींबीतरे, आए जाओ मैया नींबीतरे, आए सोने
अपने पोते परीक्षित का विवाह प्रेम पूर्वक संपन्न कर दिया। अब परीक्षित और नवलदे आराम से हस्तिनापुर में रहने लगे। 50 रुपया राजकुमार भैया ने हमारे लिए स्पेशल दिए हैं बगियापुरवा से, 500 रुपया हमारे राजकुमार भैया बगियापुरवा से भैया ने दान भेंट किया है। भगवान से बहुत कामना जीवन सद मंगलमय हो। ए भैया यह बड़ा विलक्षण बात आप सुन रहे हैं, नवलदे और परीक्षित बड़े आनंद के साथ रहने लगे। और इधर राजा पासुक ने देखा, विचार किया एक राजा की इतनी बड़ी बदनामी, एक लड़की बोली कि मैं घर नहीं आऊंगी। महाराज पासुक ने कसम खा लिया, लड़की अगर तू हमसे हट करके चली गई, देश की हर लड़की अपने बाप को बेवकूफ बनाएगी। जाओ लड़की, मैं भी एक राजा हूँ। पने जब खान पान दियो इतमें से समीपने और खान पान दियो छाए। अरे वाद न हम को जल करे जब हो नवलदे ने हट कर दिया कि जाओ लड़कियां, हम उस दिन अब भोजन करेंगे, अन्न जल सब बंद, जिस दिन तू विधवा हो जाएगी उस दिन हम पानी पिएंगे। बोलो भाई, राजा पासुक ने यहाँ पर बेवकूफी किया या नहीं किया? अपनी लड़की को व्यक्ति मार सकता है, मार दो, पीट दो, डांट दो, सब कुछ कर दो, लेकिन कौन ऐसा मूर्ख बाप है जो ये देखेगा हमारी बिटिया विधवा होते? कौन ऐसा व्यक्ति देखेगा कि हमारी बिटिया विधवा होते संसार में? दुनिया में गल्ली नल्ली ठोकर खाए एक बेवकूफ रावण था जिसने अपने बहनोई को मार डाला था और शोक रेखा को विधवा कर दिया था। मेरे बंधु, आज महाराज पासुक ने क्या किया, सभा के अंदर सभा लगा दिया और डाल दिया बीड़ा डाल दिया। कौन ऐसा मेरा बेटा है जो इस बीड़ा को खाए और अपने बहनोई को डस के आवे? सबसे छोटा लड़का तैयार हो गया, बोला पिताजी हम डस के आएंगे, जीजा को हम डस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजा पासुक ने कहा जा बेटा, ले लिया बेड़ा, चल पड़ा। कहां जाता है मालूम? राजा परीक्षित के घर में पहुंचता है। घर में पहुंच जाता है, छिपके की रात में डसेंगे। माताओं बहनों, शाम के समय में अपने बालों को खुला मत रखना, बिस्तर से कोई लटकती हुई चीज जमीन से सेट नहीं होना चाहिए। बस यार माताएं चरपैया के चारों तरफ नाच बिखेर देती, ये नवलदे सारे काम करती है ना, ये सब नियम है भैया। रात के समय में जब वो सर्प घूमने लगा परीक्षित को डसने के लिए, कहीं हवा का झोंका आ गया, हवा का झोंका आ गया और एक दाना अन्न का सर्प के मुख में गिर गया। बस देखो एक सर्प जात की भावना बदल गई, ये राजकल का आदमी अपना बेवकूफ हो गया है, तो उसकी भावना नहीं बदलती, वो दगा के अलावा कुछ कर पाए नहीं। चाहे गुरु चेला देख लो, इसी को देख लीजिए दोस्त के साथ, सर्प की भावना बदल गई कि अगर राजा के घर का अन्न है और हमारे मुख में गिर गया है, अगर अब राजा को डस रहा हूँ तो इसका अन्न श्राप देगा। नप को डसो अन्न अश्राप है, बस उल्टो भगत चलो पीछे को।
छोटे लड़के ने पूरी कहानी बताया, पिताजी मेडल्स तो लेता लेकिन राजा का जो अन्न था मुख में गिर गया, इसलिए हमने सोचा श्राम मिलेगा। राजा बासु ने कहा जब नाइट सेवा तो हुआ तुमका श्राम मिलत और ये तुमका प्रसाद मिली। सुन, तू ही बातें करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते कि आज से तुम दुमहा हो जाओ। कहते हैं कि दुमहा सर्पों का वंश उसी जगह से प्रारंभ हुआ। दुमहा सर्प आज भी बेचारे इतने सीधे होते, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए। तो महासर्फ कौन तुम्हें रह देखे हो, कितना मोड़ कर घूमत रहे रोड पर, और यह तो बेचारे इतने बड़े बड़े हुए हैं। बस ए सभा के अंदर फिर भी उड़ा रहा, सभा डाल दिया बीड़ा। सुबह का बीड़ा दोपहर होएगा, दवा पान को मलाई अपने पिता से बोला, पिताजी देखो छोटे के बाप बड़े के बाप छोटे के मम्मी, पांच लड़का हो दस लड़का हो छह हो तीन हो चार, इस तरह बताओ। बड़े के बाप बड़ा लड़का बड़ी बहुरिया के हमारी पप्पा, और छोटे लड़का का छोटी बहुरिया हमारी महतारी। क्या पक्की बात है भैया? बड़े के बाप छोटे के महतारी और मगिन के राम करे रखवारी, तीन हो चार हो बीच में पप्पा बचे अम्मा, ये सब भगवान के सहारे चल रहे हैं। और जब लड़ाई घर में होते हैं तब लहरको में हिलको से नहीं होते है, काला झोंका छोटा कैया लड़ता है बड़ा कैया बड़वट है। बड़ा लड़का तैयार हो गया, पिताजी वेल्डर वेलकम वेरी गुड थैंक यू नो डिस्टर्ब मी, हम दस से आएंगे, आप चिंता मत करिए, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। जैसे अपनी बात कहा मेरे भैया गा दिया, अभी बड़ा लड़का देखो भैया कैसे जा रहा है, ये दुश्मनी अदा करेगा। बड़ा लड़का क्या करता है मालूम, छोटा गया था घर, एक बड़ा वाला घर नहीं गया,
महाराजा परीक्षित की एक बगिया थी चमन, चमन माने बाग। अरे पहुंचो जाए चमन राजा के, कुसाखी बन गया क्या, बन गई तेरा अनोखो भैया, बन गई तेरा अनोखो भैया, लग गयो जाके डाली पे। भरी तबियत होए राजी, हरी भरी तबियत होए राजी, तन मन मोहे लाली रे। आप जब देखा खुशी मां डोली कर तैयार, ले गयो राजा के दरबार। सोचा अगर ये बेर हम खा लेंगे तो खुशाखी ची रहे भैया, और राजा महाराजा बैठा को इनाम दिया 1000-2000 रुपए, हमारा काम चल जाए। महाराज परीक्षित के सामने पेश किया। महाराज परीक्षित ने देखा ये खुशाखी बेर है, इसको खाना ठीक रही ए, और कोई अगर तुमका चीज मिले तो कोई अगर चीज प्यार ज्यादा प्यार मिली तो द्याहो कोई प्यारे है कहीं हम, अगर जी प्रसाद बढ़ती है जी का अपन सभी प्यार है भाग भाग खैचे लग लिया, और जी का भैया मान लो प्यार अपने शरीर से नहीं ज्यादा, बुढ़िया मान लो के देखियो अपन शरीर कम प्यार है वाता ज्यादा प्यार है, खूंटे में यहाँ लाइया बांध रहे हैं और रात भर पहुड़ी रही है या सवेरे पिंकुआ हम कता जो नहीं गेरान मैनान ना गेरान पोता नहीं समझते हैं कि आज ही हमका दत्ता मनते हैं, अगर शरीर प्यार हो तो दुई दाना चबा लेती, लेकिन दुई दाना नहीं चबा सकती हम न खाई हमारा भैया खा ली। राजा परीक्षित अगर मानते हैं तो सिर्फ नवलदे को, सोचा कि हम नहीं खाएंगे अपनी रानी के पास भेजेंगे, वही के प्रसन्न भेज देव महलन। राजा परीक्षित ने माली से कहा भैया ये पेर मेरे महल में पहुंचा दो, रानी नवलदे कि जिस समय भवन में गया पेर, ए नवलदे तुरंत वही के प्रसन्न भेज दियो महलन, देखा के पारकी नवलदे लीन्यो।